चीटिंग करती है कंपनी। सनस्क्रीन की एक कंपनी वाले बोले थे कि सनस्क्रीन लगाओगे तो चेहरा काला नहीं पड़ेगा, टैनिंग नहीं होगी। हम लगाए, हमारा तो फिर भी काला पड़ गया। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं। जैसे हम सनस्क्रीन तो लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे चेहरे पे टैनिंग आ जाती है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि आपको सनस्क्रीन कैसे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहली चीज, सनस्क्रीन में आपको बहुत सारे SPF देखने मिलते हैं, SPF 18, SPF 30, SPF 50। अगर आप घर में रहते हो या फिर आपका ऑफिस वर्क है ना, तो आप SPF 18 ले सकते हो, 18 से 20 के बीच में। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हो कुछ देर के लिए, SPF 30 आप ले लीजिए। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे बाहर रहते हो ना, SPF 50 आपकी चॉइस होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज, ये जो सनस्क्रीन है ये आपको हर 2 घंटे में रीअप्लाई करनी है, वरना इसका जो असर है ना वो कम हो जाता है और इवेंचुअली आपको इजीली टैनिंग हो जाती है। और सनस्क्रीन के साथ एक रूल आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है, जब भी आप घर से निकलने वाले हो ना, उससे 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन अप्लाई करो, सो दैट आपकी सनस्क्रीन एक्टिवेट हो पाए।